आपका स्वागत है। ओ, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी। चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। ये बहुत बोरिंग है, मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी, फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? Yes! लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी, तुम महान हो। मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा चुप है। स्वादिष्ट। हाँ, जरा मेरा देखो, इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में ये क्या पिद्दी सा है? ये कोई पिद्दी नहीं है, ये मेरा छोटा सा छुपा चुप है। हाँ, ये छोटा जरूर है, पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूँगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर, कोई बात नहीं। मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? जल्दी और आसानी से। मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट, पता नहीं ये कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या वह क्या करने वाले हैं? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों, ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा चुपा चुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया। चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड चुपा चुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी, संभल कर, तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो अब तुम अपने चुपा चुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ये बहुत भारी है दोस्तों, मैं इसे उठा नहीं पा रही। मदद करो, खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ, ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया, मेरा हथौड़ा। लड़कियों सावधान, अब ये चुपा चुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। चलो देखे। बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए, और अधिक, और। यहाँ बहुत कम बचा है। चलो सब कुछ ले लेती हूँ। क्रम्स सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है। और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है, ये मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, ये कोका कोला की एक विशाल बोतल है। नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो, तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। यस! और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, ये खत्म हो गया, मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? ये सबसे स्वादिष्ट है, मुझे वह निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली, ये अटक गई है।
अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह, कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है, चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एनी, अब तुम आसानी से। ओह, कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर यह बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी, तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। आ? तुम क्या कह रही हो? ओ, मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह, और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है, और मेरे लिए इतना काफी है। हुरे! लड़कियों, मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है, देखो यह कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा, अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह, मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले, स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ, ये पिघलने लगी। हुर्रे, हॉट चॉकलेट तैयार। इसे एक छोटे कप में डाले। ये बहुत प्यारा है, इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है, अगला कौन है? वाह, मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं? आइडिया। लड़कियों, ध्यान से देखो। अटेंशन। वाह, ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैंसी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? अभी अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला चॉकलेट हाउस। चलो, घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है यह। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे इस तरह मत देखो, ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह, दीवारें भारी हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है। चलो, बहुत कम बचा है, मैं लगभग सब खा चुकी हूँ। और आखिरी टुकड़ा, बस खत्म। वाह, आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह, तू सचमुच लकी निकली, लेकिन हम नहीं। मुझे सबसे छोटी कुकी मिली, पर मैं देर नहीं करूंगी। मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो अब इसे खाती हूँ। वाह स्वादिष्ट, मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों, यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह, यह बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती, यह स्वादिष्ट भी है। अरे क्या हुआ? अगला कौन है? हाँ, अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियोज ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो, तुम यहाँ हो? यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैंसी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल, केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। दोस्तों, यह बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया। हर किसी के पास इतनी सारी ट्रीट्स क्यों है, और मेरे पास केवल एक ट्रिक है। आशा है कि यह कम से कम स्वादिष्ट होगा।
अरे देख कर अपना कचरा फेंको, नहीं तो तुम क्या कर लोगे। एक बच्चे की तरह रोना बंद करो। और वैसे भी मुझे पता है कि स्वादिष्ट चॉकलेट बार को कई भागों में कैसे काटना है। एक सौ मेरी मदद करेगी। तुम यह लो। मिरांडा रुक जाओ, बस हमें बच्चों। मेरा मतलब यह नहीं था, यह सौ चॉकलेट के लिए था। तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, पर हम फिर भी सह रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ हुआ? ये ट्विक्स है, तो इसमें हर टुकड़ा कीमती है। क्या कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत दिनों से ट्विक्स नहीं खाया है। मैं तो भूल ही गई थी कि कितना अच्छा होता है। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले कैंडी रैपर से छुटकारा पाना होगा। और अब चॉकलेट खा सकते हैं। वाह, इतनी भूख क्यों? क्या ट्विक्स वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ यार, क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छा लगता है? दूध के साथ। अरे हर कोई सब कुछ मुझ पर क्यों फेंक रहा है? मैं कल्पना नहीं कर सकती कि कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट दूध, चॉकलेट बार, इतना सारा चॉकलेट, बहुत मजेदार। क्या देख रहे हो जॉन? तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट खाना बोरिंग है, उनमें से एक विशाल टावर बनाना बहुत ही बढ़िया होगा। और इन्हें एक दूसरे से चिपकाने में निर्जला काम आएगा। अरे वाह जॉन, तुम तो एक असली बिल्डर निकले। हर नॉर्मल इंसान को टावर बनाना आना चाहिए, खासकर जब बात चॉकलेट टावर्स की हो। हमें जो कुछ तुम बनाते हो उसे खाना आना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? जॉन हमें माफ कर दो, चॉकलेट बस बहुत स्वादिष्ट था। सब ठीक है, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। अरे वाह, कितने चिप्स हैं। बहुत, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मुझे एक बहुत छोटा चिप्स का टुकड़ा मिला है। मैं इसे केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकती हूँ। पर ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया होगा। और बहुत बहुत छोटा भी। जॉन तुम्हारी बारी है। आखिरकार मुझे अभी बहुत भूख लगी है। ऐसे चिप्स कौन बंद करता है ताकि उन्हें कोई खोल भी ना सके। मुझे अब यह मदद करेगी। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चिप्स कैसे खाते हैं। अबे स्वाद चखता हूँ। तुझे सचमुच ही पागल कर दिया है। अब मैं अपने चिप्स खा सकती हूँ। ओह, ध्यान से, मुझे चोट लगी। नहीं, मुझे पहले से ही सिर में दर्द है। मैं कुछ नहीं कर सकती, चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। और यह हेलमेट मुझे बचाएगी। मुझे अब बिल्कुल चोट नहीं लग रही, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। चिप्स के इस महल को ट्रक से गिराना काफी रहेगा। कितना स्वादिष्ट था, पर अब मेरा महल गया। एमा कैंडी के मामले में किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। धन्यवाद मिस्टर ऑब्वियस, तुम्हारे बिना मैं इसे समझ नहीं पाती।
लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है। अगर नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो छोटी से छोटी कैंडी भी हमारी आंखों के सामने आ सकती है। उदाहरण के लिए एक आईफोन। ओ यार, मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है, पर यह है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। जॉन, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं सारी कैंडीज एक साथ खाऊंगा। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। लेकिन तुम जाहिर तौर पर नहीं, लेकिन इस टेबल पर और भी कैंडीज है। दूर रहो, ये तुम्हारे स्किटल्स नहीं है, वे मेरे और सिर्फ मेरे हैं। हालांकि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि किस रंग से शुरुआत करूँ। इस बात को लॉटरी की मदद से हल करनी होगी। तो कौन सी कैंडी सबसे पहले खाओ? हरा। मैं सारे खा लूंगी। क्या खूब लॉटरी है, शायद वह मुझे कुछ दे सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। विशाल कैंडी के अंदर और भी ज्यादा कैंडी। यम्मी। व्हाट? ऑसम। जादुई लॉटरी, मुझे भी चाहिए। जॉन मेरे दोस्त, मुझे भी कैंडी दो, मेरे पास कुछ निकालने का समय नहीं था। हाँ बेशक, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ तो मैं सभी के साथ शेयर करूँगा। और फिर से मेरे अलावा हर कोई भाग्यशाली है, मुझे केवल एक गमी आँख मिली है। जॉन, तुम किस पर हंस रहे हो? एक ही आँख है लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि एमा ने मुझे एक प्रैंक के लिए अच्छा मौका दिया है। छोटी आँख किसी को भी खुश नहीं छोड़ेगी। एमा, देखो मैंने क्या किया, मेरी कोई आँख नहीं है। कितना बुरा, इसे यहाँ से हटाओ। अरे नहीं, मदद करो, तुम्हारी वजह से एमा सबको तकलीफ हो रही है। क्या दिलचस्प फिल्म है और स्वादिष्ट नेस्क्विक। यहाँ कैसे आया? थैंक यू। इस तरह के डरावने मजाक के बाद एक स्वादिष्ट गमी आंखें वही है जो मुझे चाहिए। हाँ, मैं इस स्वादिष्ट ट्रीट को मना नहीं करूंगी। देखो, यह है ना मजेदार। जॉन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ इच्छा शक्ति है, तुम्हारे विपरीत। लेकिन तुम सही हो, आंखें बहुत स्वादिष्ट है। शायद तुम मुझे भी कुछ दे सकते हो। फिर मुझे भी, हम दोस्त हैं, प्लीज। लड़कियों, मत लड़ो। वैसे भी मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पर आंखें निकल रही है। आंखों वाला जॉन, क्या ये हमारा पहला डिश है? बहुत बढ़िया। वाह, एक केक, ये बहुत बड़ा है। काश मुझे बाइट मिले, मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रही हूँ। चलो जल्दी करें और इसे खाएं। आराम से जूली, हमने अभी तक हमारे कार्ड नहीं देखे हैं। ये लो। एलेक्स, तुम सही हो, चलो उनके साथ शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, मैं केक चाट सकता हूँ और मैं बाइट ले सकती हूँ। और लगता है मुझे कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। अरे यार, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कम से कम क्रीम तो चखने दो। स्वादिष्ट, यह नियमों के खिलाफ है जूली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम फिर से ऐसा करने की हिम्मत मत करना, वरना मेरे पास चाटने के लिए कुछ भी नहीं होगा।
बहुत अच्छा, ये सच में स्वादिष्ट है। मैं और चाटना चाहता हूँ। वाह, इतनी सारी क्रीम है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इतना काफी है एलेक्स, अब मेरी बारी है। मेरा सही है, तुमने अभी काफी खा लिया। ओह, मेरी नाक पर क्रीम लग गई। ये अच्छा ही हुआ, अब मेरे पास स्नैक के लिए कुछ होगा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से खाने के लिए कुछ है। माय गॉड, ये स्वादिष्ट है। अब तो मुझे पक्का कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये देख नहीं सकती, सारा केक खाने से पहले हमें उसे रोकना होगा। हमें दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं शेयर नहीं करूँगी। अच्छा, तो तुम यह लो मिला, मुझे जाने दो एलेक्स। तुम्हारे पूरे चेहरे पर क्रीम है, ये कोई मजाक नहीं है। अब तुम्हें भी थोड़ा मीठा मिलने वाला है, यह वही जो तुम चाहते थे, है ना? तुमने सीधा जूली की आंख पर फेंका, यह बहुत मजेदार है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मिला, तुम इसी के लायक हो। चलो शुरू करते हैं, हमारे पास एक नया डिश है, इस बार मैं इसे खोलना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये एक कैक्टस है। ये कमाल का लग रहा है, मुझे डर है कि ये बहुत कांटेदार है। ओह हाँ, कितना दर्द हुआ। तुम्हें कैक्टस को अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए था। अच्छी बात है कि मेरे पास बैंडेड है। चलो तुम्हारी उंगली पर ये लगाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारे बिना क्या करती एलेक्स। या लो, अब बेहतर है। हाँ चलो देखे कि क्या करना है। बहुत बढ़िया, मुझे कैक्टस को छूना नहीं पड़ेगा। फिर से नहीं, मुझे इसे चाटना है और मुझे इसे काटना है। मुझे यह देखने का बहुत मन है। चलो शुरू हो जाओ मिला। ओ नहीं, तुम करो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे जाने के लिए तैयार हूँ। चलो शुरू करो। बस बहुत हुआ, मेरा सिरप फटने वाला है। खेलो और ईमानदारी से तय करो कि कौन शुरू करेगा। ओके। बुरा आइडिया नहीं है, चलो कोशिश करते हैं जूली। बढ़िया, मैं जीत गई। तुम पहले जाओ। एलेक्स, तुमने ये सुझाव क्यों दिया? हम इसे तुम्हारे बिना कर सकते थे। कितना दर्द होगा, मैंने अपनी पूरी जीभ पर खरोच लगा ली, देखो कितने कांटे हैं। ओह कितना बुरा। मैं तो मजाक कर रही थी और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। यह फनी नहीं था जूली, इसे फिर से चाटो। फिर से नहीं, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हमें कैक्टस को शेप करने की जरूरत है, उसके बाद यह खतरनाक नहीं रहेगा। मुझे लगता है यह मोड बहुत कमजोर है, मैं टर्बो मोड कोशिश करूंगी। बढ़िया, ये मेरे लिए सही है, इस तरह मैं निश्चित रूप से कांटों को संभाल सकती हूँ। ये रहा दोस्तों, देखो यह काम कर रहा है, मुझे ये पसंद है। मैं कैक्टस नहीं हो सकती हूँ। बस बहुत हुआ, सारे कांटे हम पर उड़ रहे हैं। हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ चलो जल्दी से कैक्टस को चाटो। ठीक है, लेकिन घबराओ मत, अब काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो गया। मैं कितने भी निलाई कर लूं, मेरी बारी आ ही गई। मुझे इसे जल्दी करना है और इसे बुरे सपने की तरह भूलना होगा। छी, बहुत कड़वा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यह देखना कितना मजेदार है। मिला, तुमने ये कैसे किया? मुझे माफ करो एलेक्स, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब उसे सबक मिल गई। पेश है हमारी नई डिश, मैं इसे खोलूंगी। ये एक बहुत बड़ा चुपा चुप्स है। बढ़िया। वाह, ये बहुत बड़ा है। मुझे आशा है कि मुझे कम से कम इसे चाटना होगा। चलो कार्ड को ठीक से मिलाते हैं ताकि हम कुछ गलत ना करें। बहुत अच्छा, मैं लॉलीपॉप खा सकती हूँ। उफ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ए, मैं लॉलीपॉप चाट सकता हूँ। ये सही नहीं है। गुस्सा होना बंद करो मिला, यह मदद नहीं कर रहा है, यह पहले ही तय हो चुका है। माफ करो एलेक्स, लेकिन मैं शुरू करूंगी। ठीक है करो। अरे तुमने मुझ पर रैपर क्यों फेंका? मैंने बस ध्यान नहीं दिया। जूली लॉलीपॉप का बाइट नहीं ले सकती, तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम वैसे भी उस चुपा चुप को तोड़ नहीं पाओगी, हम उसके बारे में देख लेंगे। मेरे पास एक स्लेज हैमर है। अपने होश में आओ जूली, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बिल्कुल नहीं,
स्लेजहैमर चकनाचूर हो गया। तुम्हारी योजना पूरी तरह फैल गई। मुझे लॉलीपॉप दो, मुझे पता ही किसे कैसे संभालना है। मैं भी इसे चाट सकती थी, बस ऐसा लग रहा है कि इसमें लंबा समय लगने वाला है। मुझे पता नहीं अब और क्या करना है, शायद एक मैनिक्योर हो जाए। हो गया, आगे क्या? मैं झपकी लेने की कोशिश करती हूँ, नहीं ये काम नहीं कर रहा है। एलेक्स कितनी देर और, चलो इसे तेज करो। मेला मुझे मेरा लॉलीपॉप अभी वापस दे दो प्लीज। मेरा मतलब इसे दूर करने का नहीं था, मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहती थी। क्या मस्त तकनीक है, ये मुझे बहुत तेजी से लॉलीपॉप खाने में मदद कर रहा है। वाह छोटा हो रहा है, ज्यादा नहीं बचा है। हाँ ये मुझे दिख रहा है, मुझे लॉलीपॉप दो। कितना छोटा हो गया, आभारी रहो कि कम से कम ये तो बचा है। धन्यवाद एलेक्स। यह क्या है, यह लॉलीपॉप के अलावा भी कुछ है? समझ गई, ये गम है। ओह बहुत अच्छा। अरे यार ये मुझे मिल सकता था। जूली तुम्हें इतना बड़ा बबल नहीं फुलाना चाहिए। अरे नहीं बबल फूट गया। एलेक्स लगता है तुम सही थे, जूली गम में उलझी हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता क्या कुछ सड़े हुए की तरह बदबू आ रही है? मुझे लगता है कि ढक्कन के नीचे से बदबू आ रही है। ओह जूली तुम सही हो, मैं कल्पना करने से डर रहा हूँ कि वहाँ क्या है। तुमने ढक्कन क्यों हटा दिया, हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन किसी को वैसे भी उस मछली का स्वाद चखना होगा, तो बेहतर होगा हम जल्द ही शुरू करें। अरे नहीं मुझे इसे चाटना होगा और मुझे इसका बाइट लेना होगा। कुछ नहीं मैं बहुत खुश हूँ। वाह आउच मेरा सिर। मुझे नहीं लगता कि मौज मस्ती करने की कोई वजह है मिला। यदि तुम घबराए हुए हो एलेक्स मुझे शुरू करने दो। छी उस मछली के पास ना जाना ही बेहतर होगा। क्या तुमने इसे चाटने के बारे में अपना मन बदल लिया या नहीं चलेगा? ठीक है हमें नियमों से खेलना होगा। नहीं आखिरकार मैंने अपना मन बदल लिया, मैं मछली नहीं चाट सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। लेकिन मैं कहर नहीं हूँ, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। एलेक्स मुझे जाने दो, मैं केवल एक टास्क को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था। खैर अब तुम्हारी बारी है और तुम इससे दूर नहीं हो सकते। तुमने ऐसा क्यों किया जूली, कितना गंदा है। अब हिसाब बराबर।